जय श्री गणेश राय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह, हर हफ्ते की तरह लेकर आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे हम दिसंबर महीने के जो है दूसरे सप्ताह के बारे में, 13 से 19 दिसंबर के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में खास, यही हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं आप इस सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, कौन कौन से तीज त्यौहार होंगे और सबसे मुख्य किन ग्रहों का गोचर इस सप्ताह में होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। इन ग्रहों के गोचर और बाकी ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हमने ये राशिफल तैयार किया है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तीज त्योहारों के साथ। तो 14 दिसंबर मंगलवार को है मोक्षदा एकादशी, 16 दिसंबर गुरुवार को है प्रदोष व्रत और धनु संक्रांति, 19 दिसंबर रविवार को है मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। तो ये तीन तीज त्योहार व्रत आपको मिलने वाले हैं सप्ताह में। अगर बात करें अब ग्रहों के गोचर की, तो 16 दिसंबर को है सूर्य का धनु राशि में गोचर और 19 दिसंबर को है शुक्र जो है मकर राशि में वक्री होंगे। तो ये दो बड़े ग्रहों का गोचर सूर्य और शुक्र का आपको इस सप्ताह में मिलेगा। तो इन गोचर से जुड़ा राशिफल जो है वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप देखना चाहते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करके आप इस गोचर के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं और अच्छे परिणाम पा सकते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है किसी ग्रह की वजह से या किसी भी रीजन से, अगर आपको लगता है कि परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, आप हमसे बात करना चाहते हैं या नए साल के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा किसी भी पद्धति में आप जानकारी पा सकते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो। आपको ये नहीं सोचना है कि इस भाषा में मैं बोलूंगा तो शायद वहां से जवाब ना मिले। हर भाषा हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद हैं और आप समय की भी चिंता नहीं करें। आपको जब भी आप फ्री हो सकते हैं, आप जब भी फ्री होते हैं, जब भी आपको समय मिलता है, आप हमारे पैनल पर जाकर आप वहां से बातचीत कर सकते हैं। बस आपको उस लिंक पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां क्लिक करने की जरूरत है। बाकी कोई जेनेरिक सवाल है ज्योतिष के बारे में, कोई डाउट है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी देनी चाहिए, तो आप वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका अगर कोई जनरिक सवाल है तो उसको मैं शामिल करूंगी हर शाम 5 बजे आने वाले जो हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो जो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, जिसमें बताती हूँ आपके पूरे दिन का हाल, वहां आपके उस सवाल का जवाब दे दूंगी। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये 7 दिनों की बात करते हैं हम इस वीडियो में और ये साप्ताहिक वीडियो है, सप्ताह में एक बार आता है और वो वीडियो हर दिन 5 बजे शाम को हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है दैनिक राशिफल का, जिसमें दिन के हाल के साथ साथ आपके बाकी सभी वीडियोस पे आप जो सवाल पूछते हैं उन सवालों को, जिनमें से सबसे सटीक सवाल होते हैं जो लगता है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो सके, उन सवालों को शामिल करके वहां जवाब देते हैं। और अगर आपको जो है कोई डाउट है या जो भी आपकी चीज है वो भी आप वहां पूछ सकते हैं, तो आपकी जो भी दुविधा है ज्योतिष को लेकर वो हम वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि बार बार चैनल पर विजिट ना करना पड़े। हर शाम जो 5 बजे मैं दैनिक राशिफल का वीडियो लेकर आती हूं आप वहां से देख सके। तो निजी सवालों के लिए आप जाइए एस्ट्रोसेज वार्ता पर, और अगर कोई जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करते, बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप वैसे सवालों को यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर उसको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। अगर लगेगा कि कोई अलग से वीडियो बना के जानकारी देनी चाहिए तो हम वो भी जरूर करेंगे। तो चैनल के साथ आपको अपडेटेड रहना होगा, आपको जुड़े रहना होगा, तभी ये जानकारियां जो सवाल आप पूछेंगे उसके जवाब आपको मिल पाएंगे। फिलहाल बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक और खास बात, जो भी तीज त्यौहार है या फिर जिन भी लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको उस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब जानते हैं चंद्र राशि पर आधारित आपका राशिफल और जानते हैं कि 13 से 19 दिसंबर के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा सभी 12 राशि के जातकों के जीवन में खास। शुरुआत मेष राशि के साथ करेंगे। तो इस सप्ताह आपके लगन भाव का स्वामी 8वें भाव से अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर कर रहा है, जो कि अनिश्चितताओं और गुप्त रहस्यों को दर्शाता है। इसीलिए इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जिस शारीरिक और मानसिक बीमारी से लंबे समय से परेशान हैं उसकी असली जड़ आपका दुख हो सकता है। ऐसे में इनसे बचने के लिए खुद को खुश रखने का प्रयास करें। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन संभव है जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा, इस कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे, साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। घर पर आपके छोटे भाई बहनों को इस सप्ताह अपने जीवन के हर क्षेत्रों में भरपूर सफलता मिल सकती है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी बुध अपने ही भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। इसीलिए यदि वो बेरोजगार थे तो इस सप्ताह उनकी जॉब लगने के प्रबल योग बन रहे हैं, वहीं यदि वो नौकरी करते हैं तो इस समय उनकी पदोन्नति होने की भी संभावना बनती दिखाई दे रही है।
ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दूंगी मैं कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना प्रदर्शन बेहतर देने में सफल रहेंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए यह समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका प्रेमी आर्थिक और भावनात्मक रूप से आपकी मदद करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आपस में खुशियां देकर और अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर अपने प्रेम जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। जीवन साथी के साथ ये सप्ताह और सप्ताह की अपेक्षा में बेहतर गुजरेगा, क्योंकि इस समय आप अपने साथी से सही संवाद कायम करने और उनसे अपने दिल की हर बात साझा करने में सफल होंगे, जिसके कारण आपका जीवन साथी खुद को आपके बेहद करीब पाएंगे। इस समय का अच्छा लाभ उठाते हुए नवविवाहित जातक अपने दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करने का फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी ये समय बेहद उत्तम रहने वाला है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करिए और बूंदी प्रसाद जो है उसका भोग लगाइए हनुमान जी को ही। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह कुछ जातकों को अपनी जो है आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि राहु लग्न भाव में गोचर कर रहा है, इसीलिए शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था तो इस सप्ताह आखिरकार वह धन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की स्थिति व दृष्टि आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग दर्शा रही है। आपको इस सप्ताह अपने दोस्तों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात पर विचारों का मतभेद घर की शांति को भंग कर सकता है, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न होने के योग भी बनेंगे। दशम भाव में बृहस्पति का गोचर आपके करियर में उन्नति लेकर आने वाला है, लेकिन आपको सलाह यही दूंगी कि सफलता का नशा अपने दिमाग पर न छाने देते हुए अपना धैर्य न खोएं और जल्दबाजी में आकर कोई फैसला ना ले। इस सप्ताह कई छात्रों को मन चाहे कॉलेज या कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिससे उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन होने से, किसी मेहमान के आने से कुछ जातक अपने प्रेमी को समय देने में असफल रहेंगे, जिसके कारण न चाहते हुए भी आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन के सबसे अधिक नकारात्मक पलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपके मन में घर ना जाने का विचार भी आना लाजमी है। उपाय के तौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा करें और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान करें। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके लगन भाव के स्वामी बुध अपनी स्वराशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद ले। इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैर कानूनी पचोड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते दिखाई देंगे। ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वो भी इस दौरान पूरी तरह से दूर हो सकेगा, जिससे घर पर आपको स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे, वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे या हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। बात करेंगे इस राशि के प्रेमी जातकों की, तो प्यार कोमल भावना है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए व्यवहारिकता से ज्यादा भावुकता और इमोशनल होना आपको रिश्ता जो है आपका मजबूत बनाने में सप्ताह मदद करेगा। ऐसे में यदि आप खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं तो दौरान आपकी लव मैरिज हो सकती है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी का आपके परिवार के प्रति देखभाल भरा व्यवहार आपको गर्व की अनुभूति कराएंगे, क्योंकि इस दौरान आप जब भी अपने साथी को घर पर बड़े सदस्यों की लगन के साथ सेवा करते देखें तो आपका आकर्षण उनके प्रति और अधिक बढ़ जाएगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। अब बारी कर्क राशि के जातकों की।
पैरों में दर्द की समस्या, मूंछ, जोड़ों का दर्द से आपको इस हफ्ते निजात मिल सकेगी। विशेष रूप से ये सप्ताह 50 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले जातकों के लिए विशेष उत्तम रहने के योग बनेंगे। संभव है कि आपके छोटे भाई बहन इस सप्ताह आपसे उधार धन मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए नहीं, पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफी समय से परेशान था, उसके लिए सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा, साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर कामकाज के मामलों को सुलझाने के लिए आपको शुरुआत से ही अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल करने की सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इसीलिए दूसरों के सामने हास्य का पात्र ना बनते हुए स्वयं की क्षमताओं का दूसरों के सामने प्रदर्शन दें और लक्ष्य प्राप्ति करें। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य मंगल और केतु की युति होने की वजह से संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। प्रेमी जातकों की बात करें, खासकर उनकी जो सिंगल हैं, तो इस सप्ताह किसी भी खास व्यक्ति के प्रति अपनी दिल की भावनाओं को लेकर हर किसी से बात करने से बचना होगा, नहीं तो संभव है कि आप अपना दोस्त समझकर जिससे अपने दिल की बातें साझा करें वो आपको धोखा देते हुए आपका खेल खराब कर दे। आपको इस सप्ताह अपने वैवाहिक जीवन से मानसिक तनाव मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का सबसे विशेष व्यक्ति यानी कि आपका जीवन साथी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण परेशान हो सकता है, जिससे आपको भी दिक्कत होगी। ऐसे में उनका पूरा ख्याल रखें। उपाय के तौर पर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ध्यान करें। अब बारी सिंह राशि के जातकों। इस सप्ताह आपके लगन भाव के स्वामी सूर्य की युति केतु के साथ होने के कारण आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिसके चलते आपके मन में कई नकारात्मक विचार आ सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत में सुधार लेकर आएं, क्योंकि ये बात आप भी भलीभांति समझते हैं कि एक कमजोर शरीर मनुष्य के दिमाग को भी कमजोर बना देता है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि आपके आर्थिक भाव के स्वामी बुध अपनी स्वराशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके चलते इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान प्राप्त लाभ को मौजूद जो है मजबूत करने और नया कुछ शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार कर सही निर्णय लेते नजर आएंगे। इसके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं। विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो पूर्व से अपने प्रयास कर रहे थे। इसीलिए इस समय का पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण प्रयास करते रहें। प्रेमी जातकों की बात करें, तो इस सप्ताह आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है, इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगने की आशंका है। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन भी खराब कर दिए। इसीलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर फैक्ट की अच्छे से जांच कर लें। यूं तो योग बन रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी संग बहस के साथ होगी, लेकिन सप्ताह का अंत आते आते हर विवाद का खात्मा होने के साथ ही आपका शादीशुदा जीवन जो है और बेहतरीन हो सकेगा। इसीलिए शुरुआत में ही अपने क्रोध पर काबू रखें और साथी का गुस्सा शांत होते ही उनसे बात कर हर विवाद को सुलझाएं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह जो है सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। इस सप्ताह आपके दोस्त व कोई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकलने में आपकी मदद करेगा। उनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगे, लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव यानी कि ऋण के भाव में गोचर कर रहा है, इसीलिए आपके ऊपर कर्ज बढ़ने की आशंका भी है। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्त पर जीवन यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। आपके लगन भाव में राहु की दृष्टि होने से आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। करियर में बेहतर करते हुए सप्ताह आप जरूरत से ज्यादा अहंकारी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को आहत भी कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे ही सप्ताह आपको इस बात का भली भांति शुरुआत से ही ध्यान रखने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको कुछ यूं
थका थका सा महसूस हो सकता है, जिससे आप पढ़ाई लिखाई से भी उब सकते हैं। ऐसे में आपको खुद को केंद्रित रखते हुए और अपना समय बर्बाद करने से बचते हुए किसी पुस्तक को पढ़ना बेहतर रहेगा। प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लेते हुए अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले पर पहुंचे। घर पर किसी सदस्य की खराब सेहत आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप और जीवन साथी उस सदस्य की देखभाल में इस कदर व्यस्त हो जाएंगे कि एक दूसरे को समय देने के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। इस कारण आप दोनों में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कुछ व्याकुल भी आप दिखाई दे सकते हैं। इससे जो है आप दोनों को एक दूसरे की अहमियत और प्रेम की अनुभूति होगी। उपाय के तौर पर भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दुर्वा यानी कि घास चढ़ाइए। अब बारी तुला राशि के जातकों की। सप्ताह की शुरुआत से अंत तक कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा और यह वह समय होगा जब आपका स्वास्थ्य सामान्य से ज्यादा मजबूत रहेगा और आप विभिन्न प्रकार की अपनी शारीरिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस सप्ताह आपको हिदायत यही दूंगी कि जरूरत से ज्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचें, नहीं तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने पिता या पितातुल्य किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो इस सप्ताह उसके पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखती है। क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी शुक्र योग कारक ग्रह शनि के साथ स्थित हैं, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफी अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको भी सुकून मिलेगा। इस सप्ताह आपको यह समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाएं। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके पांचवें भाव में बृहस्पति की स्थिति इस सप्ताह सफलता प्राप्त करने के कई अवसर लेकर आने वाली है। साथ ही वो जातक जिनकी हाल ही में शिक्षा खत्म हुई है और वो नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस दौरान अनुकूल अवसर मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। प्रेमी जातकों की बात कर लें तो इस सप्ताह आप अचानक से अपने प्रिय को तंग करने या उन्हें ईर्ष्या महसूस कराने के लिए किसी प्रकार का कोई ऐसा मजाक कर सकते हैं जिससे आपका प्रेमी दुखी हो। हालांकि आप जल्द ही मजाक को खत्म कर अपने प्रेमी को मनाने का प्रयास भी करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने इस मजाक के बारे में साथी को बताते हुए उनसे माफी भी मांगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कहीं बाहर खाने को लेकर जाएं। किसी पुरानी बात को लेकर यदि आपके और जीवन साथी के बीच कोई विवाद था तो वो इस समय स्वयं ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि संभव है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार को लेकर कोई शुभ समाचार मिले जिससे घर में खुशी की लहर दौड़ जाए और आपको भी साथी के करीब आने का मौका मिले। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें। बारी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपके लग्न भाव में सूर्य मंगल और केतु की युति आपको स्वभाव से उग्र गुस्सैल और मानसिक रूप से तनावग्रस्त बना सकती है। इसीलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सप्ताह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बने सकते हैं। इस राशि वालों को इस सप्ताह जो है आर्थिक रूप से आ रही समस्याओं से निजात मिल सकेगी, क्योंकि आप अपनी समझ और पूर्व में किए गए सही निवेश से अपने आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव की हर आशंका को दूर करने में पूरी तरह सफल होंगे। लेकिन बावजूद इसके भी आप अपने निर्णयों से काफी कुछ सीख ले सकते हैं। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, नहीं तो आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन और आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेम का आह्वान महसूस करने के लिए सप्ताह किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। संभावना है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी पार्टी में हो। ऐसे में किसी भी पार्टी में जाते वक्त अच्छे से बनठन कर जाइए, ताकि आप दूसरों को अपनी आकर्षक छवि से जो है अपनी ओर प्रभावित करने में सफल हो सके। बात को आप इस सप्ताह समझने में सफल होंगे कि दाम्पत्य जीवन वो प्रेम भरा दो लोगों के बीच का खूबसूरत रिश्ता होता है, जहां प्रेम में शक और गलत फहमियां यदि जगह बना लेती हैं तो रिश्ता कई बार टूट जाता है। इसी बात को समझते हुए इस हफ्ते आप अपने साथी के साथ बैठकर अपने रिश्ते में आ रही हर गलत फहमी को दूर करने में सफल होंगे, जिससे आपको पुनः प्रेम भरे लम्हों को जीने में मदद मिलेगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। बारी अब धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके लग्न भाव में बुध का गोचर आपके आत्मविश्वास और बौद्धिक स्तर में वृद्धि के योग बना रहा है। हालांकि इस दौरान अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना करते हुए आपको उससे
सही दिशा में लगाते हुए उन सभी कार्यों को करने की जरूरत होगी जो लंबे समय से आप टाल रहे थे। संभव है कि आपके छोटे भाई बहन इस सप्ताह आपसे धन उधार मांग सकते हैं। आप उनकी आर्थिक मदद करते हुए उन्हें पैसे उधार तो दे देंगे, लेकिन इससे आप खुद को आर्थिक तंगी में फंसा सकते हैं, जिसके चलते आपको आने वाले समय में कई परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आओ भगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, लेकिन मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच सही तालमेल बरकरार रखने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको महसूस होगा कि आपके परिवार का सहयोग ही कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे प्रदर्शन के पीछे का मुख्य कारण है। इसीलिए घर वालों के साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपनी उन्नति से अवगत कराएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। इस सप्ताह का समय इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए समस्याओं भरा सिद्ध होगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें सही निर्णय लेने में खासा परेशानी आ सकती है, जिसका खामियाजा उन्हें प्रदर्शन में कमी के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदा होकर उठाना पड़ सकता है। लवर्स की बात कर ली तो सप्ताह भाग्य आपके साथ होगा, जिससे आपकी शोहरत तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप आसानी से विपरीत लिंगीय लोगों को भी प्रभावित करते हुए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल हो सकेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि हर कोई आपसे बातचीत करना और आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप जो चिंतित थे तो वो समस्या इस सप्ताह दूर होती दिखाई देगी, जिसके कारण आपको जीवन साथी के साथ किसी अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का मौका मिलेगा और इस मामले को लेकर आप अपने साथी के साथ जरूरी संवाद भी करेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और हो सके तो व्रत भी रखें। अब बारी मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है, इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे, क्योंकि राहु आपके पांचवें भाव में स्थित है। इस सप्ताह लगन भाव के स्वामी शनि और योग कारक ग्रह शुक्र की स्थिति होने के कारण आप हर समय खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डट कर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह प्रेम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव महसूस करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप एक दूसरे से खूब दिल खोलकर बातें भी करते दिखाई देंगे। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सप्ताह है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर लेकर जा सकते हैं, जहां उनसे आप अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की पूजा करें और मछलियों को भोजन कराएं। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस हफ्ते आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो कि अच्छे स्वास्थ्य का कारक होता है आपके लगन में स्थित है। आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसीलिए समय समय पर चिकित्सीय परामर्श अवश्य लेते रहें, ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएं। आपकी राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामले इस सप्ताह आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही, साथ ही कोई भी आर्थिक फैसला लेने के लिए समय सामान्य से काफी उपयुक्त तो भी दिखाई दे रहा है। आपको इस सप्ताह अपनी संगति पर ध्यान देने की काफी जरूरत होगी, इसीलिए विशेष रूप से ऐसे लोगों से दूर ही रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने से भी अभी आपको बचने की सलाह दूंगी मैं। काम के प्रति आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए सप्ताह आपको तरक्की तो मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों की चापलूसी भी करनी पड़ेगी। इससे दूसरों के सामने आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, लेकिन अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खासतौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि और कानून यानी लॉ, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही
आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह प्रेम में पड़े इस राशि के जातक अपने प्रेमी प्रेमिका को अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यदि आपके संगी को लगता है कि आप उनको पर्याप्त समय नहीं देते तो अब आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। आपका ऐसा करना आपके संगी को अच्छा लगेगा और प्यार की डोर मजबूत होगी। इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है, जिसके कारण आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर अपने वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। उपाय के तौर पर गाय को रोटी खिलाएं या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करें। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझना है कि जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसीलिए सकारात्मक सोच और अपनी वाणी में मधुरता लेकर आएं। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर देगा, क्योंकि बुध आपके दसवें दशम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको इस समयावधि में जो है मेहनत करनी होगी। हालांकि इस दौरान भाग्य आपका साथ तो देगा ही, जिससे आप जो भी विषय पढ़ेंगे उसे याद रखने में आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह आपके मन में प्रेमी को लेकर कोई शक उत्पन्न हो सकता है, इस कारण आपको कुछ निराशा भी हाथ लगने की आशंका है। हालांकि कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपका ये शक बेवजह था और इसके कारण आपने अपने कई दिन भी खराब कर दिए। इसलिए शुरू में ही किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हर फैक्ट की अच्छी तरीके से जांच कर लें। इस सप्ताह आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करना चाहेंगे, लेकिन बावजूद इसके न चाहते हुए भी आपका जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद संभव है। ऐसे में जितना मुमकिन हो साथी के साथ कुछ भी बातचीत करते समय अपनी भाषा और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि ये योग भी बन रहे हैं कि सप्ताह के मध्य के बाद आप खुद ही साथी के लिए कुछ खास प्लान करते हुए हर विवाद को सुलझाने में भी सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाइए सातों दिन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच के 7 दिनों में क्या कुछ होगा आपके जीवन में, खास किन जगहों पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कौन सी चीजें स्मूथ जाएंगी। हम दिसंबर महीने में हैं, 2021 का आखिरी जो है महीना चल रहा है, चंद ही दिन बाकी हैं 2022 में। तो 2022 कैसा रहेगा सभी बार राशि के जातकों के लिए, ये इस बात को जानने के लिए आप काफी उतावले होंगे और आपका ये उतावलापन हमारे चैनल के थ्रू दूर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी 2022 से जुड़ी वीडियोज चैनल पर अपलोडेड है। आपके नाम अक्षर के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर, आपके नंबर्स के आधार पर हर तरह की जानकारी हमने चैनल पर अपलोड की है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई परेशानी, आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिलेगा। किसी भी समय कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए तो आपको मिल सकती है। बाकी अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आने वाले टाइम पे मैं आपको वीडियोस के माध्यम से उसकी जानकारी दूंगी। और वो कौन से वीडियोस होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हर शाम 5 बजे आने वाले दैनिक राशिफल का वीडियो वो मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, जिसमें आपको बताती हूँ पूरे दिन का हाल, उसको अच्छा बनाने के लिए किन रंगों का, किन अंकों का, किस समय का इस्तेमाल करना है। तो तमाम जानकारियां मैं शाम 5 बजे लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और शाम 5 बजे बार बार आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, जब वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी फिर से एक बार सभी तीज त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो भी जिन लोगों का जन्मदिन, एनिवर्सरी या कोई खास दिन आता है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर कोई सवाल है तो हमारे साथ बने रहेगा एस्ट्रोसेज वार्ता पर, वहां वार्तालाप कर सकते हैं। और कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी इन्हीं सब कामनाओं के साथ कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा हो, आने वाला साल बहुत अच्छा हो, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।